व्हाट्स अप गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे मैं कहूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सारे डॉक्ट्रिन को हमको पढ़ना है। रियली सॉरी, हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स को आज हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन बहुत जल्द अगले 2-3 दिनों में हमें सारे डॉक्ट्रिन को कंप्लीट करना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम और 3 दिन बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इस पूरे कंपनीज एक्ट को फिनिश ऑफ करने के लिए, राइट? तो हम लोग इसे फटाफट फिनिश ऑफ कर देंगे, एंड देन फिर उसके बाद जो बची कुछ राइटिंग प्रैक्टिस है, हम लोग वो राइटिंग प्रैक्टिस को भी समाप्त कर देते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस अमेजिंग से सेशन की। मैं अगर बात करूं बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। और मैं आपके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दूं मैं अपने बारे में, कि मेरा नाम इंद्रेश गांधी और लोग मुझे प्यार से आईजी सर भी कहते हैं। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटर का ऑडिट, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाता हूँ। मैं अगर बात करूँ, आप मेरे पूरे सेशंस वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक अगर आपको चाहिए, आप मेरे कोई भी दूसरे सेशन जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, BCR, अगर आप ये सेशंस को देखना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पे इस लिंक की मदद से आप मेरे पूरे सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। वो लिंक है कौन सी? bit.ly/IGSirLive। ये लिंक की मदद से आप मेरे पूरे वर्चुअल सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ अनअकैडमी के क्लासेस की, तो आप यहां पे दो तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो रोज सुबह 9 बजे मैं लाइव आता हूं इसी चैनल के ऊपर, और कल शाम में 8 बजे जैसे मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के लिए लाइव आया था, वैसे कल से मतलब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं 8 बजे लाइव आने वाला, जहां पे हम लोग यूनिट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? वही अगर मैं पेड क्लासेस की बात करूं, तो इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप अनअकैडमी के ऊपर हमारी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके देखी जा सकती है। प्लस या आइकॉनिक या लाइट सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग से वीडियो की, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग जान सके कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का मतलब और क्या होता है डॉक्ट्रिन का मतलब, ठीक है? चलिए देखिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, दोस्तों सुनिएगा अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कहूं ना, ये अपन ने कल राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए थे, इसके नोट्स आपने बना लिए ना बेटा? अगर कोई लोगों ने कल को ध्यान नहीं उनका कि कल राइटिंग प्रैक्टिस थी, तो कोई बात नहीं, कल रात में 8 बजे हमने एक सेशन लिया था, ठीक है? तो उस सेशन को जरूर से जाके एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए, मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, तो अब देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कंपनीज एक्ट से रिगार्डिंग, हम लोग चर्चा करेंगे कंपनीज एक्ट से रिगार्डिंग, पूरी पूरी बात करेंगे। आज हमें देखता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको पूरा पूरा कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके फैक्ट्स को, इसके केसेस को और ये पूरे चीजों को हम लोग आराम से पढ़ लेंगे चीजों को, ठीक है? देखो आज कितना पढ़ना है मैं आपको पहले ही बतवा देता हूं, ठीक है? पहले ही देख लो, आज अपने को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और यहां तक पूरी चीजें, मतलब AOA के पहले पूरी चीजें करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग AOA को फिनिश ऑफ करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो 3 से 4 दिन लगभग हमको लगने वाले, आने वाले 3 से 4 दिन लगेंगे, जिसके अंदर हमारा ये पूरा कंपनीज एक्ट का फिनिश ऑफ हो जाएगा। मतलब सैटरडे तक मैं एस्टिमेट कर सकता हूं कि कंपनीज एक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे फिनिश हो जाएं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे चीजें कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, तो सुनिएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, मैं अगर कहूं ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। सभी लोग बोलिए, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रिंसिपल। ये ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज आपको कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, ये आपको अलग से एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया जा रहा है कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स नाम का कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या कहता है, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे बात करेंगे। और अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। क्या मतलब होता है अल्ट्रा वायर्स का? सभी लोग बोलो, बियॉन्ड पावर्स करके मतलब होता है अल्ट्रा वायर्स का। अब मैं आपको सबसे पहले पूरे कंसेप्ट समझा देता हूं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन फिर उसके बाद हम लोग चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? देखिए,
मैं अगर कहूँ आपके साथ क्या क्या सर बताइए ना बताइए आप क्या कह रहे हो। देखिए ये एक कंपनी है बेटा, आप सभी लोग जानते हो कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती है। ये कौन बताता है हमको, ये हमको MOA डिसाइड करके बताता है, ये हमको AOA डिसाइड करके बताता है, बराबर। यस सर, तो MOA और AOA डिफाइन करते हैं स्कोप्स को, ऑब्जेक्टिव को, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये सारे चीजों को डिफाइन करते हैं हमारे MOA और AOA। अब क्या होता है, मान लीजिए MOA और AOA के अंदर कोई एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। अब कंपनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है ना वो सीमेंट के ट्रेडिंग का धंधा कर सकती है। सभी लोग बोलेंगे क्या कर सकती है, सीमेंट के ट्रेडिंग का धंधा कर सकती है, बिजनेस ऑफ सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है, और कुछ नहीं लिखा। तो देखिए जब इतना बोल दिया गया ना कि कंपनी सीमेंट के ट्रेडिंग का धंधा कर सकती है, तो मान लीजिए अब कंपनी क्या करती है, अब कंपनी कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, प्लाईवुड को बेचेंगे करके, बराबर। ओहो ये तो गलत हो गया क्योंकि सीमेंट के बारे में बात हुई थी। कंपनी का कहना है हम लोग रेती को बेचेंगे, ये भी गलत बात हो गया। कंपनी का कहना है कि हम लोग ऐसे बाकी चीजों को, मतलब ये कहना चाहते हैं कि सीमेंट के साथ साथ हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी बेचेंगे, दूसरे चीजों को भी बेचेंगे जो कंस्ट्रक्शन लाइन से रिगार्डिंग होती है। मैं आपसे जनता ये पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक बात बताइएगा, क्या कंपनी के पास पावर है क्या बेटा उस चीज को ओवर रूल करने का? कंपनी के पास पावर नहीं है। इस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोला जाता है, मतलब क्या, जो बियॉन्ड आप MOA AOA हो, जो कंपनी की ऑक्स ही नहीं है, और वो ऑक्स के बाहर जाके अगर कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस कंडक्ट करती है, तो ऐसे केस के अंदर उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। और ये जो अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटीज हुई ना, मतलब बियॉन्ड पावर जितनी भी एक्टिविटीज हुई है ना, वो एक्टिविटीज के लिए ना ही थर्ड पार्टी कंपनी को स्यू कर सकता है और ना ही कंपनी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं। स्यू का मतलब होता है केस करना, तो ना ही थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर केस कर सकती और ना ही कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते, ऐसे अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को लेके। क्या आप बात को समझ रहे हैं? मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के अंदर कंपनी कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है जो उसके स्कोप में ही नहीं है, जो उसके पावर में ही नहीं है। कंपनी ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती, फिर भी न जाने कंपनी क्यों ये करती है। और ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कि इसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का नाम देंगे। इस बताइए मुझे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस ये स्कोप को मैं क्या नाम दूं, ये बिजनेस को मैं क्या नाम दूं? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स नाम दो ना, थर्ड पार्टी उसके ऊपर स्यू कर सकती है, ना ही कोई कंपनी उसके ऊपर स्यू किया जा सकता है। एक और एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं आपको कांसेप्ट को रीड करूंगा और दो चार चीजें भी बतवाना है मुझे फिर, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम फॉर्चून 500 की एकदम वन, अभी थर्ड रैंक पे आ गए बेटा अपन लोग, है ना, कल परसों सेवेंथ रैंक पे थे, अभी थर्ड रैंक पे आ गए, ठीक है। देखिए क्या नाम है बताइए कंपनी का, IG सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है। चलिए आइए आओ, मैं अगर आप तो जानते हैं बेटा ये वही कोड है ना, आपको तो पता है ना, ठंडा मतलब कोको कोला, पानीपुरी मतलब IGSR पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। चलिए आइए, है ना, आइए मैं अगर कहूँ आप लोगों के साथ, तो देखो IGSR पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो अगर मैं कहूँ आप सुनना, नहीं सुनो बेटा, 20% ऑफ मिलेगा, समझ रहे बात को, ज़्यादा नहीं 50 रुपये प्लेट है, 20% आपको ऑफ दे दूंगा, 40 रुपये प्लेट लगवा दूंगा, लेकिन आप तो जानते खैर आइए सुनिए, मैं अगर कहूँ आपके साथ ये जो IGSR है ना बेटा, मेरे जो पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, मेरे स्कोप में क्या लिखा है बोलिए ना, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं पानीपुरी का धंधा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं भेलपुरी का धंधा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, बोलो ना, मैं सेवपुरी का धंधा कर सकता हूं, है ना, समझिए। अब मैंने क्या सोचा कि यार बहुत हुआ करके, अब एक काम करेंगे, मैं ना मोमोज बेचना चाहता हूं, क्या बेचना चाहता हूं, मोमोज। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, ब्रांड अपना बनवा है, IGSR मोमोज बना देंगे, एक नंबर जोरदार मोमोज भी बेचेंगे करके अपने पानीपुरी के, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, समझिए बात को, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गगन की बात करूंगा, है ना गगन की बात करूंगा, गगन आता है बेटा, गगन धनाधन मोमोज खा लेता है 3-4 प्लेट, है ना, 3-4 प्लेट यहां पे गगन ने मोमोज खा लिए, अब 500 रुपए मान लीजिए गगन का बिल हो गया, क्या मैं 500 रुपए क्लेम कर सकता हूं गगन से? नहीं कर सकता, समझना बात को, गगन अगर नहीं देवे तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता, देखो गगन पैसे नहीं देता करके। और मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए मोमोज के अंदर मैंने किसका सर मसाला क्या डाल रहा हूं, मोमोज के अंदर आलू डाल दिया हूं मैंने, है ना, तो गगन बोलता है ये क्या,
ये ऐसे कैसे मोमोज बना दिए तुमने, तो ऐसे केस के अंदर गगन भी मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, समझिए बात को। क्योंकि मेरे तो देखो क्या होता है, कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो गगन है ना, इसने मेरे MOA पढ़ के आया होगा और तब जाके ये मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, समझ रहे बात को। मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि गगन तुमने बोलो ना क्या कर रहा है, तुमने पब्लिक डॉक्यूमेंट को पढ़ के आए हो, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं, और तुम जानते हो कि मेरे पावर्स क्या है, तभी तुम मेरे साथ धंधा कर रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुई बेटा, तो ना ही गगन मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है, ना ही मैं गगन के ऊपर क्लेम कर सकता हूं, चाहे पैसे हो या जो भी डैमेजेस हो, कुछ भी हो बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। क्या आप बात को समझ गए? फटाफट बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए ना? एकदम सिंपल था, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। आप जबरदस्ती हवाबाजी बना के रखते हो, अरे बाप रे डॉक्ट्रिन नहीं जम रहा, डॉक्ट्रिन नहीं जम रहा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। क्या है डॉक्ट्रिन के अंदर? कुछ भी नहीं है, है ना। देखो बता तो, लॉजिक सुनिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सुनिए ना बात को, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोले, अल्ट्रा वायरस, वायरस मत बोलिए, वायरस, कुछ लोग वायरस वायरस करते हैं, वायरस नहीं है बेटा ये, वायरस है, ठीक है, मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अब बियॉन्ड पावर कैसे क्या डिसाइड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है MOA डिफाइन करता है स्कोप को, क्योंकि MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ के आया है, मतलब MOA को पढ़ के आया है, तब जाके वो हमारे साथ डील कर रहा है, अदरवाइज है ना, चलिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं पढ़ के आता है, तो हमारी थोड़ी गलती है, ना ही हम उसके ऊपर क्लेम करेंगे, ना ही वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है। सर आपने धनाधन पैसे एट लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि MOA और AOA क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसको पढ़ के आना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए, क्या बात को समझ गए? यस सर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बताओ ना सर। देखिए सुनो, ये है कंपनी बेटा। अच्छा सर, ओके, ये कंपनी के पावर्स है, ओके, जबरदस्त। क्या देख रहे, ड्राइंग देख रहे, पावर ऐसा दिखी क्या तुमको? हाँ, आइए, ये है कंपनी के डायरेक्टर। मान लो जैसे कि मैं बात करूँ आपके साथ, डायरेक्टर कौन है? ये संजय डायरेक्टर है, ठीक है, संजय। आपको ऐसा ओरिजिनल फोटो जैसा नहीं लग रहा कि संजय और ये, इसको ऐसा देखोगे तो आप बोलोगे आइला ये तो बिल्कुल ही सेम बन गया करके, है ना। देखिए संजय, और ये है संजय की पावर, ये है संजय की पावर। मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, आप ऐसा सीरियसली मत लेना ना। संजय को हमने पावर दे रखा है कि संजय 50 लाख तक लोन ले सकता है, है ना। यस सर, संजय 50 लाख तक क्या ले सकता है? लोन ले सकता है करके। अब संजय ने क्या किया, 60 लाख तक का लोन लिया। कंपनी के पास पावर है कि कंपनी कितना ले सकती है, कंपनी 100 लाख तक लोन ले सकती है, बराबर है ना, 100 लाख तक कंपनी लोन ले सकती है करके, ऐसे कंपनी के MOA AOA के अंदर दिया गया है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो 50 लाख तक का लोन संजय इकलौता उठा सकता है, किसी के परमिशन नहीं, लेकिन संजय ने 60 लाख का लोन बेटा उठा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, नहीं नहीं आपको मुझे बताना होगा कि क्या मैं संजय के इस एक्ट को रेटिफाई कर सकता हूं? क्या रेटिफाई का मतलब, आप लोग पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सब्सीक्वेंट अप्रूवल देना, मतलब एक बार 50 लाख के ट्रांजैक्शन को बाद में इन्होंने अप्रूवल देना, तो क्या यहां पे संजय के एक्ट को मैं रेटिफाई कर सकता हूं? क्या मैं, मतलब शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, क्या शेयर होल्डर्स यहां पे संजय के एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं? हां बाबू, बिल्कुल रेटिफाई किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। यस, लेकिन संजय ने अगर 110 लाख का लोन लिया होता बेटा, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी व्यक्ति क्या यहां पे संजय के इस एक्ट को रेटिफाई कर सकता है? यूनानिमस कंसेंट भी अगर मिल गया ना बेटा, 100% शेयर होल्डर्स भी बोल दिए ना कि रेटिफाई करो, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी के पास उतनी पावर ही नहीं है, समझ रहे बात को, कंपनी के पास उतनी पावर ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा कि अगर कोई डायरेक्टर अपने बियॉन्ड पावर जाके काम करता है, लेकिन कंपनी के पावर्स के विद इन होता है, उसके एक्ट को आप रेटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज, समझिए बात को, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है जो बियॉन्ड कंपनीज पावर है, अरे भैया भूल जाओ, फिर तो कुछ नहीं हो सका, फिर तो कुछ भी नहीं हो सका, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आओ मैं अब आपको रीड करूंगा प्यार से, और उसके बाद जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको समझाते हुए भी जाऊंगा, ठीक है। चलिए आओ, देखो क्या बोला है यहां पे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस,
द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रावायर्स इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स करके, ठीक है. द लीगल फ्रेज अल्ट्रावायर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ द डूअर. मतलब जो व्यक्ति वो चीज को एक्सरसाइज कर रहा है ना, उसके पावर के बाहर, उसको उतनी ताकत ही नहीं है बेटा, और उससे ज्यादा का वो क्या कर रहा है, उससे ज्यादा के वो काम कर रहा है. तो ऐसी वाली बात को बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स. समझ रहे बात को? आपको देखो, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपके से, ये आलेख, ये आलेख को बोल के रखा है तुम 10 किलो के ऊपर वेट मत उठाना करके, ये 15 किलो के उठाने चले, बताइए चल जाएगा क्या बेटा? ऐसा थोड़ी चलेगा, एक प्रोसेस है ना यार, समझिए, है ना. आइए, द प्री सपोजेस दैट पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड. और ये जो पावर्स होती है ना, ये लिमिटेड दे के रखिए, उससे आगे जाने की जरूरत मत करना, ठीक है. आइए उसके बाद देखिए, इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट. मतलब क्या, जो आपने एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप बताते हो कि आपकी कंपनी कल चल के फ्यूचर में क्या करने वाली है, तो ऐसे केस के अंदर आप उससे डाइवर्ट का मतलब होता है आप उससे भटक सकते हो, लेकिन एक कदर तक भटके बेटा, समझिए, अपने राह से आप भटक गए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा भटक गए तो बेटा फिर तो कुछ नहीं कर सकते. समझ रहे बात को? चाहे मैं इधर एमओए की बात कर रहा हूं, आप लेकिन जो सोचे वो भी सही सोचे, आपने गलत नहीं सोचे. आइए उसके बाद, इन कॉन्सिक्वेंस any act done या contract made by the person which travels beyond the powers not only of the directors but of the company is wholly void. बोले अगर आपने, सुनो ना, ध्यान दो ना, अगर आपने क्या किया, अगर आप अपने powers को extend कर रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसा कांड कर रहे हो, act का मतलब क्या होता है, क्या बताइए ना मुझे, act का मतलब क्या होता है, कांड करना, तो आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जो क्या है बेटा, जो बियॉन्ड पावर है, और वो भी किस कह रहे, कंपनी के, डायरेक्टर छोड़ो कंपनी के, तो ऐसे केस के अंदर ये क्या है, होली वॉइड है एंड इन ऑपरेटिव इन लॉ है. मतलब हम तो शेटेंगे नहीं इसको, मतलब हम तो ध्यान ही नहीं देंगे इसके तरफ. समझ रहे बात को? हम तो ध्यान ही नहीं देंगे, बोले हमको देखना ही नहीं है करके, हम रेटिफाई वेटिफाई छोड़ो, हम ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ पे, ऐसी वाली बात. दूसरा, ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेंड. अब देखो देखो, बहुत सही चीज, जहर चीज बोला एकदम बेटा, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप कंपनी को रोक सकते हो. रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, है ना. आइए, एम्प्लॉइंग इट्स फंड्स फॉर द पर्पसेस अदर देन सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम करके, है ना. लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन द ट्रेड डिफरेंट वंस इट इज ऑथराइज टू कैरी ऑन करके, ठीक है. आइए ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये कुणाल, कुणाल का एक कोई दोस्त है बेटा, जैसे मान लीजिए रणवीर, ये रणवीर रणवीरी के पीछे बहुत ही बावला हो जाता है. ऐसे केस के अंदर कुणाल ने पहले ही बोल के रखा है, देख भाई अगर मुझे ऐसा लगता है कि 5000 के ऊपर कभी खर्चा करा है ना, तो कुछ दाल में कुछ खाला है. अब कुणाल भावनाओं में बह के समझिए, नहीं, रणवीर भावनाओं में बह के समझिए बात को, 6000 का खर्चा करने चला है, तो क्या कुणाल उसको रोक सकता है, बताइए मुझे? बिल्कुल रोक सकता है कुणाल उस चीज को, क्योंकि बियॉन्ड पावर है बेटा, समझिए, बियॉन्ड पावर है, इट इज होली वॉइड एंड इन ऑपरेटिव, नहीं चलेगा, है ना. इस वाली चीज का आप ध्यान रखेंगे, बस यही वाली बात है. अब उसको आप कंपनी में जोड़ दो तो बोले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स करके, ये तो कल चल के डॉक्ट्रिन ऑफ कुणाल भी बन सकता था, वो तो कुणाल भाई आए नहीं बीच में हमारे, बड़ी बात है ना उनका वो ये, लेकिन अभी तो हाँ चलिए आइए उसके बाद देखो, द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी सूड, ना तुम कंपनी के ऊपर केस कर सकते और ना कंपनी तुम्हारे ऊपर केस कर सकती. सिंस मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो वो ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन है. मतलब क्या कि जनता, मैंगो पीपल, इसको आके चेक कर सकती है और जान सकती है कि इनके ऑब्जेक्ट्स क्या है करके, और उस हिसाब से डिसीजन ले सकती है. अगर वो चीज ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है और आप उससे चले आगे पावर में काम करने के लिए, ऐसे कैसे करने देंगे हम आपको? नहीं करने देंगे हम आपको. आइए, देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ कंपनी, तो हम ऐसा मान लो, मान लिया हमने है पावर्स के बारे में पता तुमको, कैसा लगा आपको गाना? बस यार, अब तो तारीफ मत करना कि बोले सर इतना जबरदस्त गाना, बेटा यही ओरिजिनल था, अब उन्होंने कुछ तो भी भलता कर दिया, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ठीक है. आइए अब देखो क्या इनका कहना है, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये शुभम आ रहा है बेटा कंपनी के साथ डील करने के लिए, ये ईशांत आ रहा है कंपनी के साथ डील करने के लिए, ये तुषार आ रहा है कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि इनको पता है कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती है करके, बराबर है बात को? यस सर. चलिए आइए अब उसके बाद, इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, फिर आप एनफोर्स कैसे कर सकते हो? अरे जब तुम्हें पता था कि नहीं, कि यहां पे नहीं
चलती है करके फिर भी तुम गए तो बुक तो है ना, ऐसी वाली बात है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, समझ, ऐसा होता है ना कभी कभार, सब लोग आपको कॉशियस करते हैं, भाई नहीं समझ तू बात को, भाई नहीं समझ तू बात को, भाई नहीं समझ तू बात को, लेकिन क्या शुभम की आंखों में पट्टी बंदी थी, अब जा, अब हम क्या करें उसके अंदर, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है दलदल में फंसना है तो हम थोड़ी कुछ करेंगे, जाओ अब है ना, आओ चलिए आई, एक लिमिट तक समझा सकते हैं ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आइए, काफ़ी रिलेटेबल हो रहा है आज की चीज़ें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस तो गजब निकला, वो भी तो एक प्रकार का वायरस ही है, खैर नहीं जाएंगे वहाँ। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 के रिगार्डिंग चीज़ें, है ना, ये अब देखो जो रेगुलर मेरे क्लास वाले, अब जो फर्स्ट टाइम अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे यार ये क्या समझ ही नहीं आ रहा, बोले क्या चल रहा है करके, हो सकता है उनको ऐसा कन्फ्यूजन हो करके, अब जिनका थोड़ा सा हाई लेवल हो सार्केज्म में वो समझ गए होंगे, लेकिन जो हमारे रेगुलर क्लास वाले हैं वो तो पूरा भाप लेते हो, आगे से पीछे तक पूरा सोच डालते हो, है ना। आइए आइए ध्यान दो, उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर। और आप लोगों को क्या पढ़वाना है, आपको एक ज़बरदस्त वाला केस लॉ बताना है मुझे, और वो केस लॉ कौन सा है, देखो एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिची वाला, ठीक है, पहले अपन लोग ये कर डालते हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को निपटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, If you have supplied the goods या perform service on such contract or lent money, you cannot obtain payment या recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting it by the means of injunction. This is thus the company does not become the owner of money which is an ultra vires to the company. करके मैं आपको बताता हूँ पहले ये क्या example number 8 क्या बोला गया है, समझिएगा बात को, है ना, आ जाइए। देखो क्या बोलते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ये जबकि प्रोविजन देना चाहिए था इन्होंने, लेकिन अब क्या बोलेंगे, आ जाइए यहाँ पे ध्यान दो। मान लीजिए मैं किसकी बात करूँ यहाँ पे, मैं स्नेहा की बात करता हूँ, ठीक है, ये स्नेहा, ये स्नेहा ने क्या किया, कंपनी को पैसा दिया 1,00,000 रुपये, ठीक है, यस, और ये पैसा कैसा हुआ बेटा, पैसा कैसा, वाह, ये अल्ट्रा वायर्स हुआ, ठीक है, ये अल्ट्रा वायर्स हुआ, यूवी है बेटा, वीवी नहीं है, वो अल्ट्रा वायर्स हुआ। अब ऐसे केस में क्या होता, अब ऐसे केस में ऐसा होता है कि देखो स्नेहा ये पैसे को वापस नहीं मांग सकती, लेकिन अगर कंपनी के पास ये पैसा पड़ा हुआ है ना, तो स्नेहा जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और बोलती है क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन है तो इस पैसे को खर्च करने से रोको, एक्सपेंडेड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करना, ठीक है, तो इस पैसे को एक्सपेंडिचर करने से रोको, ऐसा क्या स्नेहा बोल सकती है, क्या शत प्रतिशत बोल सकती है, ये वाली बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, तो स्नेहा ऐसा कह सकती है कि इस पैसे को आपने क्या करना चाहिए, खर्च करने से इसे रोकना चाहिए करके, ऐसा सूट फॉर इंजंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लाना कोर्ट ऑफ लॉ से कि इसको रोकिए, जैसे बोल चूड़िया बोल ने क्या लाया था बेटा बताइए मुझे, इंजंक्शन ऑर्डर लाया था कि इन्हें बोलिए मेरा ऑफिस तोड़ने से रोके करके, बराबर, नहीं तो बुलडोजर तो सोच ही डाला था, पूरा उखाड़ी डालता हूं बोले जड़ से, तो ऐसे केस के अंदर इंजंक्शन ऑर्डर लाया जाता है जहां पे कोर्ट से बोला जाता है कि इन्हें रोको कुछ करने के लिए करके, समझ रहे बात को, ये वाली चीज यहां पे हो जाती है। चलो आइए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, आओ, तो यहाँ पे क्या बोला, क्या पैसे को वापस मांग सकते, नो बेबी नो, लेकिन क्या आप रोक सकते हो उसको एक्सपेंस करने से, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है। आइए देखिए उसके बाद, एज अ लेंडर रिमेन्स द ओनर ही टेक्स बैक द प्रॉपर्टी इन अ स्पीशी, द अल्ट्रा वायर्स लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग द लॉफुल डेट्स ऑफ द कंपनी, ओ माई गॉड द लेंडर स्टेप्स इन टू द शूज ऑफ डेटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन, कौन से वाले केस का, टू द एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी करके, ये क्या जहर लाइन दी है। आप बोलोगे सर ये लाइन ही तो कभी समझ नहीं आ रही थी, है ना, कई सारे लोग तो यही लाइन पढ़ने के लिए भी आए होंगे, मैं ये भी बता देता हूँ कि कभी सर ये लाइन तो समझ में ही नहीं आ रही है, बोले आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो नहीं नहीं आपको नहीं अभी तो सुनना ही पड़ेगा आपको, देखो अभी बात करूंगा किसकी, यहाँ पे बात करूंगा, रुको ना, धर्मवीर कौर की, ठीक है, यस, आइए, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया कितना, 2,00,000 रुपए, जो एक अपने आप में अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन था, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन था,
अब ये जो कंपनी है ना बेटा, ये कंपनी के अकाउंट में ना लाइबिलिटी साइड में लोन दिखाई दे रहा है, किससे, एसबीआई बैंक से, बैंक से इसने लोन लिया है कितने का, मान लीजिए एसबीआई से इसने 4 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, हाँ ओके 4 लाख का लोन लिया। तो ऐसे केस के अंदर मैं बताऊँ आपको, अब ये जो कंपनी है ना, क्योंकि अब 2 लाख का पैसा है तो ये 2 लाख के पैसे को एसबीआई को दे देती है, बोले हमारा जो लॉफुल डेट है ना वो लॉफुल डेट को खत्म करो, लॉफुल डेट को सेट ऑफ करने के लिए, मतलब लॉफुल डेट को मीट करने के लिए यहां पे क्या कर देती है, 2 लाख रुपए उसे दे देती है। अब यहां पे आपको बैलेंस कितने का दिख रहा है, 2 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है। तो मैं बताऊं आपको, समझना, अगर एक कंपनी किसी अल्ट्रा वायस ट्रांजैक्शन के पैसे को कोई लॉफुल डेट को रिकवर, मतलब लॉफुल डेट को पे करने के लिए लगाती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये जो एसबीआई के, अब एसबीआई के आप दो टुकड़े करके देख, एसबीआई के दो टुकड़े मतलब 2 लाख 2 लाख के अगर दो टुकड़े होते तो ऐसे केस के अंदर एक टुकड़ा मीट हो गया, एक टुकड़ा बलि बचा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे अब धर्मवीर कौर दिखना चालू हो जाएंगी 2 लाख रुपए से, वो इस पैसे को रिकवर कर सकती है, अगर उन्होंने लॉफुल पैसे को मीट करने के लिए ये पैसे को यूज किया है ना, तो धर्मवीर कौर जरूर से स्टेप्स इनटू द फुटिंग ऑफ एसबीआई, कि मान लीजिए अगर एसबीआई के दो हिस्से होते, 2 2 लाख के इसके अगर हिस्से होते तो एक हिस्सा मीट हो गया, तो वो हिस्से की जगह कौन आ जाते बताइए, धर्मवीर कौर आ जाते, मतलब 2 लाख वो लोग रिकवर कर सकते हैं क्या कंपनी से, हां क्योंकि लॉफुल डेट को पे करने के लिए यहां पे पैसा यूज किया जा रहा है, इसीलिए, समझ रहे बात को, सर अनलॉफुल होते तो भूल जाओ बेटा, है ना, फिर भूल जाओ, फिर हम नहीं दे रहे तुमको पैसा, जाओ, है ना। चलिए आइए उसके बाद, As an act which ultra-vires to the company's void cannot be ratified by the shareholders of the company, अगर कंपनी से ही void है बेटा तो नहीं कर सकते, sometimes act which is ultra-vires can be regularized by ratifying it subsequently, कब, जब कंपनी के powers में चीजें होती है लेकिन beyond एक director या beyond एक manager होती है तो उस चीज को आप ratify definitely कर सकते हो। For instance if the act is ultra-vires the power of directors, the shareholder can ratify it, if the act is ultra-vires the articles of कंपनी, द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ कंपनी बट इररेगुलरली शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट, करके सिंपल सी बात यह है बेटा कि अगर कोई भी एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर हो गई तो वो होली वॉइड हो जाते हैं, उसके ऊपर ना केस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप रेटिफाई का मतलब होता है सब्सिक्वेंटली सुधार करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था ना माइनर कैनॉट रेटिफाई इट्स एक्ट आफ्टर बिकमिंग मेजर करके, तो रेटिफाई का मतलब होता है अगर कोई पुरानी गलत एक्टिविटी है तो उसको अब सुधार करना, subsequently बाद में चल के सुधार करना। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो बियॉन्ड डायरेक्टर है लेकिन विद इन कंपनी है तो ऐसे केस के अंदर आप उसको रेटिफाई कर सकते हो बेटा, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बियॉन्ड कंपनी है तो आप उसको क्या रेटिफाई कर सकते हो, क्या आप उस चीज को भी रेटिफाई कर सकते हो, एक चीज से, कैसे, आप आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आपका आर्टिकल्स अल्टर हो जाएगा, और अगर एक बार आर्टिकल्स अल्टर हो गया तो फिर वो विद इन पावर आ जाएगा, लेकिन ये बात को ध्यान दीजिए, फॉर वो सब बात की बात है, क्या बोल रहा हूं मैं, वो सब बात की बात है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है कि आप अगर बियॉन्ड कंपनी कोई भी चीज करते हो बस वो वॉइड है, सर नहीं बस वॉइड मतलब वॉइड, खत्म हो गई बात यहां पे, समझ गए बात को, कह दो मुझे जल्दी से यस सर। चलिए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, अब ये वाला केस लॉ देखिए बेटा कौन सा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची का ये केस है, बहुत जबरदस्त केस है और बढ़िया तरीके से इस चीज को पढ़ेंगे और इस चीज को फिर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा, चलो आ जाओ, देखो अच्छी तरीके से अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान देना, अभी अपना कंसेप्ट अभी भी चालू ही है अपना कंसेप्ट, तो ये बहुत बहुत सही केस लॉ है, ठीक है। देखो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये एक रेलवे कंपनी है, ठीक है, हाँ, जिनका काम क्या है, वैगन्स, बोगिया बनाना, इंजिन्स बनाना, वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, रेलवे लाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करना और ये सब चीज़ें करना इनका काम है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस में है बेटा, ठीक है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस में। अब सुनिए, अब क्या होता है, कभी कभार इन्हें एक काम अलॉट हो जाता है, इन्हें एक वर्क अलॉट हो जाता है, ओके सर, इन्हें एक वर्क अलॉट हो गया, लेकिन इनके पास है ना इतना, मैं अगर बात करूं आपके पास तो इनके पास इतना ये नहीं है बेटा, वर्कफोर्स नहीं है कि ये लोग क्या कर सके, कि ये लोग समझिए ना बात को, कि ये काम को अंजाम दे सके, मतलब ये उतना सप्लाई कर सके रेलवे कंपनी को वैगन्स वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, रिची नामक एक व्यक्ति को, रिची नामक, समझिए ना बात को, रिची नामक एक व्यक्ति को सबलेट करते हैं इस काम को, सभी लोग बोलो क्या करते हैं, सबलेट, सबलेट का मतलब होता है उसे, रिची को कहते हैं कि एक काम कर, तू
तू ये काम कर ले, हम तुझसे क्या करेंगे कमीशन बेसिस पे डील कर लेंगे, अगर हमारे पास 100 रुपये आया तो हम तुमको 90 रुपये देंगे, 10 रुपये हम रखेंगे और तुम ये काम कर लो करके, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। रुचिका कहना है ओके डील डन, मुझे क्या, अपने को तो क्या, अपने को तो केवल पैसा चाहिए करके, बराबर ना, बिल्कुल बराबर। अब सुनिए होता क्या है, लेकिन रिची क्या कहता है, मुझे इस काम को, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसे लगेंगे, तो आपको मुझे पैसे देना होगा, आप मुझे लोन के तौर पर पैसे दीजिए, लोन लेंड कीजिए, समझ रहे बात को, इसे क्या बोला जाता है, लोन को लेंड कीजिए करके, इस काम को अंजाम देने के लिए। कंपनी कहती है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कंपनी कहती है ठीक है हम आपको पैसे देते हैं करके, कोई बात नहीं है उसके अंदर। अब समझना मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को, है ना, सुनो। अब यहां पे जब शेयर होल्डर्स को बात पता चलती है ना, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स रोकते हैं कंपनी को ये चीज करने से, क्योंकि शेयर होल्डर्स का कहना है कंपनी का काम है, बिजनेस है कंपनी का, कौन से चीज का, कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है, कंपनी का काम है वैगन्स को बनाना, कंपनी का काम है धंधा करना, सर्विस प्रोवाइड करना, कंपनी का काम पैसे देना या लोन देना क्या कंपनी का काम है क्या, नो, कंपनी लोन देने का काम नहीं करती है। अब ये जब बात रिची को पता चली तो रिची बहुत क्रोधित हो गया और रिची चले जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जैसे यहां पे सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह होते हैं वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पे, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चले जाता है और रिची कहता है जज साहब देखिए इनके इसमें जरा देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है लेकिन आखिरी में वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है ना जज साहब, ये क्या ना है, और आप तो जानते हैं बेटा जज साहब कौन होंगे, मेरे पूर्ण जन्म की बात, और मैंने कहा रिची 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 प्लीज बी क्वाइट प्लीज बी क्वाइट, मैं आपको हिंदी में बताता हूं, सुनिए, मैंने कहा रिची सी सी देखिए रिची क्या है, कंपनी का जो नाम है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस में, और इन्होंने जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स नाम लिखा है ना उसका मतलब होता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड अगर इंसिडेंटल कुछ काम हो ना तो कंपनी वो काम कर सकती है। ये तो जैसे मान लीजिए पानी पूरी के साथ सेव पूरी बेचो तो समझ में आता है, लेकिन आप पानी पूरी के साथ पिज्जा का धंधा कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। यहां पर रिची है ना तो उनके तरफ देख रहा हूं मैं, रिची का कहना ओ तो इसके लिए मुझे क्या, मैंने कहा अन अकेडमी आईजी से 20% ऑफ प्लस है ना, और आइकॉन है जो भी है। तो ऐसे केस के अंदर रिची का कह रहा है ब्लेस्ड ब्लेस्ड है ना, मैंने कहा ओके तथास्तु, समझिए बात को, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपके साथ क्या, कि अगर 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 कंपनी यहां पे है ना रिची को पैसा देती, कौन से चीज के लिए, वो कोई काम उसने अगर परफॉर्म किया अगर उस चीज के लिए पैसा देती तो समझ में आता, लेकिन यहां पे पैसा किसके तौर पर दिया गया, लोन के तौर पर दिया गया, और ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, हमें बिल्कुल भी नहीं चाल से, पहले ही बता रहे हम आपको, यह हमें बिल्कुल नहीं चाल से। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला गया है कि यहां पे क्या रिची चाहकर भी कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी का वो धंधा ही नहीं है, कंपनी अपने बियॉन्ड पावर जाके थोड़ी काम कर सकती है, समझिए ना बात को, बियॉन्ड पावर जाके थोड़ी काम कर सकती है, विद इन पावर्स कंपनी काम कर सकती है, और इंसिडेंटल, सुनिए ना, इंसिडेंटल के रिगार्डिंग चीजें काम कर दी जा सकती है। ठीक है, आ जाइए मैं आपको रीड करवाऊंगा तो आप बोलोगे वाह क्या जोरदार था करके। देखो यहां पर क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी क्या क्या है देख लो, टू मेक सेल हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स, दूसरा टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मित्रों देखो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, टू परचेज सेल वर्क माइन से रिलेटेड, टू परचेज सेल एजेंट्स या एजेंट्स कोल टिम्बर मेटल्स एक्सेट्रा। अब देखो क्या हुआ, डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रिची फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग SR। द कंपनी हाउएवर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायस एंड रिची ब्रॉट एन एक्शन ऑफ डैमेजेस। हिज कंटेंशन वॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए वो पावर अभी भी आ रही है करके। ठीक है, मोर ओवर इट हैज बीन रेटिफाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, तो ऐसे केस के अंदर ये चीजें तो मतलब चल जानी चाहिए करके, बात ही खत्म हो गई, ये चीजें तो चल जानी चाहिए है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, However, लेकिन however मतलब पलटी मार रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नल एंड वॉइड, इट इज सेड दैट द टर्म्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे पानी पूरी सेव पूरी समझ में आता है ना, दही पूरी समझ में आता है, लेकिन ये क्या हो गया पिज्जा, ये कौन सी बात हो गई है ना, वैसी वाली बात है ना। दैट इज इट इज रीड इन कनेक्शन विद कंपनीज मेन बिजनेस, जो कंपनी का मेन बिजनेस है ना उसके कनेक्शन में आप रीड कीजिए, अलता बलता सुपर दलता कुछ भी मत कीजिए है ना। उसके बाद इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वॉज नॉट सो इंटरप्रिटेड इट वुड ऑथराइज द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड एंड एवरी डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, मतलब कल चल के कुछ भी हुआ तो बोले कंपनी के नेचर का ही चाह रहा है, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए इसे बोला गया अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन बोला गया है, समझ गए बात को, अल्ट्रा वायर्स। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रा वायर्स होता, मतलब वो डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड लेकिन कंपनी के पावर्स के विद इन, तो उसे उसे क्या इंट्रा वायर्स बोला जाता है। तो ऐसे केस के अंदर उसे रेटिफिकेशन की मदद से आप लोग जरूर से सुधार सकते हो। अब देखो पूरे पोजीशन को इन्होंने सम अप करके यहां पे दे दिया है, फिर मैं आपको एक इसका चार्ट बनवा के दे दूंगा जिससे आपकी बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो लीगल इन इटसेल्फ इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम और स्टैट्यूट, इट इज सेड टू बी द अल्ट्रा वायस एंड हेंस नल एंड वॉइड, ठीक है। देखो क्या बोला, विच दो लीगल है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑथराइज नहीं है, तो ये अल्ट्रा वायस होते हैं और वॉइड होते हैं। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायस, इसको क्या आप रेटिफाई कर सकते हो यूनानिमस कंसेंट से? भी आप नहीं कर सकते, 100% भी अगर आप दे दिए ना बेटा तो भी आप नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो, an act which is ultra vires the director but intra vires the company can be ratified members through resolution passed in general meeting, मतलब OR, और उसके बाद an act which is ultra vires the articles can be ratified by altering the articles of special resolution at general meeting। मैं आपको sum up करके दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी आप लोगों के साथ कहने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, देखो कोई act है बेटा, ठीक है, yes sir, ये क्या है, ये MOA के बियॉन्ड है, ये MOA के बियॉन्ड है, तो इसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है, ठीक है, यस। उसके बाद कोई एक्ट है जो डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है, ठीक है, डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है बट कंपनी के पावर के विदिन है, तो आप ऐसे एक्ट्स को क्या कर सकते हो मित्रों, आप ऐसे एक्ट्स को रेटिफाई कर सकते हो, ठीक है, यस सर। अब उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या है बेटा, अगर कोई ऐसा एक्ट है, सुनो, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो क्या है, बोलो ना, बोल नहीं रहे आप लोग, है ना, देखिए, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, तो ऐसे केस के अंदर आप यहां पे AOA को चेंज कर सकते हो। और AOA को चेंज कैसे किया जा सकता है, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम 75% ऑफ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना, उसे हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन का नाम देते हैं, समझ रहे बात को। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, यस, ये तीनों का समअप है। बताइए मुझे क्या आप इस चीज को समझ गए, सभी लोग बोलिए कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल रट्टे मारने से कुछ नहीं होने वाला है ना। देखिए फिर से एक और बार, अगर कोई ऐसा एक्ट है बेटा जो आपके एमओए के बियॉन्ड है, खत्म फिनिश टाटा गुड बाय गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एक्ट है जो डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है लेकिन कंपनी के विद इन पावर से, इसे इंट्रा वायर्स एक्ट बोला जाता है, आप इस चीज को रेटिफाई कर सकते हो जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो AOA के बियॉन्ड है, मतलब आर्टिकल्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड है, तो आप AOA को चेंज कर लेना बाय पासिंग SR इन जनरल मीटिंग, मतलब SR का मतलब होता है 75% का अप्रूवल, और OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम 50% मोर देन 50% का अप्रूवल, ऐसा उस चीज को OR बोला जाता है। क्या आप बात को समझ गए, कह दो ना मुझे क्या आप बात को समझ गए, यस सर। अब देखिए आ जाता हूं मैं यहां पे, देख लीजिए, अब ये वही है पूरा के पूरा यही समअप। तो बीच में कोई पूछ भी रहा था कि सर एक बार रिपीट कर दो, तो रिपीट मुझे पता था नहीं करके मतलब नहीं है, क्योंकि आगे आने ही वाला था डिटेल में, है ना, यस, ऑल गुड, ऑल गुड। एक बार आप रीड करना चाहेंगे पूरे पार्ट को, पूरा जितना भी आज अपन ने देखा है ना, जल्दी से बोलिए ना, जितना भी अपन ने आज यहाँ पे देखा है कि आप पूरे चीज को एक बार रीड करना चाहेंगे, फटाफट एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट पैराग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में फिनिश होते रहना चाहिए मेरे।
तो मेरा पार्टनरशिप नहीं हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा, अभी काफी समय है ना। अजम्पशन, अतियाजी अजम्पशन होता है उसका मतलब। चलिए आइए, सैंक्शन मतलब जो अप्रूव हो गया। ऐसे बेसिक टर्म्स के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए बेटा, सैंक्शन बहुत एक बेसिक वर्ड है। आइए देखिए, हाउएवर मतलब कुछ पलटी मार रहे हैं अब, इनको कुछ तो भी दुख है बेटा। पहले के केस में क्या होता था, ये अभी आजकल है ना कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आने के कारण ऐसा बोल दिया गया कि आप एओए को चेंज कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बात तो वही हो गई, मतलब आप अल्ट्रा वायस ट्रांजेक्शन कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहे हैं तो उसको एओए के अंदर लाना है तो एसआर पास करवा दीजिए, चिंता ही खत्म ना। देखो यार, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस का क्या मतलब था कि यार बियॉन्ड पावर जाके कंपनी काम नहीं करनी चाहिए, हम लोग जानबूझ के बाहर वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली चीज ला रहे थे, ठीक है। लेकिन अब तो मस्ती में इनका देखो ना क्या जोरदार, मतलब ये तो वही बात होगी कि मैं कह रहा हूं आपसे कि देखो जो 9:05 के बाद आएंगे ना वो क्लास में मैं उसे एंट्री नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर मैं वर्चुअल वाला क्लास चला रहा हूं बेटा जो यहाँ की लाइव रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही है, तो फिर फायदा क्या। बात तो वही हो गई ना कि बच्चा फिर लेट आए या नहीं आए उसे रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है करके, है ना, समझ रहे बात को। तो ये वैसे ही कह रहा हूं मैं आपके साथ, मतलब क्या कि यहाँ पे इनका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस दे दिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार मतलब नहीं, मतलब अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप चेंजेस कर सकते हो करके। अरे ये क्या बात हो गई यार फिर, है ना। चलिए आइए देखो, हाउएवर दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन आउटवे इट्स मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज, नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स करके। ये शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि ये लोग शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स कंपनी को रोक सकती थी किस चीज के लिए, कि जो आपके बियॉन्ड पावर है आप वो एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, ना ही हम किसी और को आपके ऊपर क्लेम करने देंगे, ना ही आप किसी और के ऊपर क्लेम करोगे, बराबर। तो ये प्रोटेक्ट करता था किसे बेटा, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को। अब देखो, ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू मेंबर्स restraining the activities of directors, it is only nuisance in so far it prevents the company from changing activities in the direction agreed by all. मतलब क्या कि अब या तो ऐसा हो गया है कि आपने object clause को change किया, मतलब maximum number of अगर maximum number of shareholders agree हो गए आपके 75% shareholder, object clause को गचकू दो, बचे हुए 25% भरी रो रहे होंगे हमें कुछ लेना देना नहीं, 75% agree कर गए मतलब हम वो activities में चलवाएंगे, बाकी के 25% बोल रहे हैं अरे हमको जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक अर्पित ने इन्वेस्ट किया बेटा यहां पे कौन से मेरे कंपनी के अंदर, बोले पानी पूरी बेचेंगे जोरदार एकदम कैश का बिजनेस, अब मैं जा रहा हूं कौन से मोमोज के बिजनेस के अंदर, अब अर्पित को जम नहीं रहा लेकिन बाकी सारे 75% को जम रहा है तो वो लोग अप्रूव दे देंगे, लेकिन अर्पित तो रो रहा है बेटा, अभी भी अर्पित मनाई कर रहा है लेकिन अर्पित की सुने कौन, यही वाली बात है अभी, है ना। तो अब यहां पे मतलब सही मायने में तो अब कोई बात ही नहीं रह गई कि प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स या इनको करके, ऐसा कुछ अब रह ही नहीं गया, ऐसी वाली बात इन्होंने यहां पे चर्चा की है। क्या आप इस बात को समझे, बोलो समझे, बोलो बोलो, हां सर समझे, ठीक है। चलिए, क्या मैं यहां पे आगे बढ़ सकता हूं, बोल दीजिए मुझे हां सर आप आगे बढ़ सकते हो करके, ताकि फिर मैं यहां पे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा, फिर मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट, तो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हम लोग यहां पे बात करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरनल, बोलो ना जल्दी से, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी को बोला जाता है क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब सर ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग क्या बात होती है, इस चीज का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना, सुनिए बात को ध्यान दीजिए। जैसे देखो, मान लो अपना ये है ना घर है बेटा, ठीक है, घर अपने MOA में लिखा है क्या कि बोले नाइट आउट नहीं कर सकते, नाइट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो AOA आपको बताएगा कि आप कब तक बाहर रह सकते हो, है ना, मतलब आपको जैसे 12 बजे तक वापस आ जाना है, क्या करना है ये आपको कौन बताता है, ये आपको AOA बताता है। देखो जैसे कि मैं अगर कहूँ आपके साथ MOA पापा, AOA मम्मी, जो आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करेंगे, बोले 9 बजे नाश्ता मिलेगा, बोले 12 बजे
खाना मिलेगा, बोले 5 बजे चाय मिलेंगी, बोले 9 बजे डिनर मिलेगा, बाहर जाना है 11 तक वापस आना होगा, समझ रहे बात को, है ना। तो ऐसे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, टीवी का टाइमिंग, फोन का टाइमिंग, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है यहाँ पे, वो AOA के अंदर दी जाती है। लेकिन बड़े बड़े डिसीजन, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे क्या करना है, टीवी खरीदना है या नहीं खरीदना है ना, तो वो कौन लेता है, वो MOA बेटा डिसीजन लेता है, समझ रहे बात को, वो MOA बताता है आपको। ये छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं वो AOA के ऊपर छोड़ दिया जाता है, इंटरनल रूल्स के रेगुलेशन। नहीं तो अब MOA डिसीजन लेगा कि बेटा भिंडी की सब्जी बने कि दूसरे की बने करके, ऐसा तो नहीं, तो वो AOA इंटरनल डे टू डे अफेयर्स के रिगार्डिंग। अब आप बातें करते बैठो, हमें इसमें मत जबरदस्ती का चढ़ो, लेकिन AOA जो है वो इंटरनल, वो डेली चीजों के रिगार्डिंग बात करता है, समझ रहे, इंटरनल रूल्स एंड रिगार्डिंग, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग AOA हमारा बात करता है। अच्छा समझिए बात को, क्या AOA के अंदर एक प्रोविजन होता है एंट्रेंचमेंट का। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन मतलब क्या, जैसे देखो मान लीजिए अगर आपके MOA में लिखा होता कि आप है ना 11 बजे तक अगर बाहर जाना है तो आप 11 बजे तक जा सकते हो करके, तो अगर AOA चाहे तो ये 11 के लिमिट को और टफ कर सकता है, मतलब 12 कर सकता है, मैं ये कह रहा हूं आपके साथ, समझ रहे। तो AOA के अंदर यहाँ पे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो, मतलब चीजों को और टफ करने का डिसीजन आप ले सकते हो, इसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना आपसे कि 10 बजे तक आप बाहर जा सकते हो, 10 बजे के बाद घर के अंदर, तो AOA ये बोल सकता है कि नहीं नहीं 10 नहीं 10 नहीं 11 11 नहीं नहीं सॉरी 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 10 नहीं 9 बजे तक, समझ रहे बात को, 10 नहीं 9 बजे तक करके, मैंने उल्टा कह दिया आपसे, है ना, 10 नहीं 9 बजे तक घर के अंदर होना, वरना घर करके वरना एंट्री नहीं मिलेंगे घर के अंदर, या कुटाई होंगे करके, समझ रहे बात को, कुटाई होंगे, तो 12 इजी हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोविजन से ज्यादा डिफिकल्ट करना। जैसे कोई चीज के लिए मान लीजिए स्पेशल रिजोल्यूशन लग रहा हूंगा, मतलब 75% का अप्रूवल लग रहा हूंगा, तो यहां पे AOA बोल सकता है कि नहीं नहीं 90% का इनका अप्रूवल लीजिए करके, तब जाके चीजें पास हो सकती है। कोई बोल सकते हैं मान लीजिए 50% का यहां पे अप्रूवल लगेगा, तो AOA बोल सकता है नहीं नहीं 75% तो कहीं नहीं गए, 75% का तो अप्रूवल लगने ही वाला है करके हमको, है ना। तो AOA यहां पे एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को इंट्रैक्ट कर सकता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के बारे में चीजों को बता सकता है यहां पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। चलिए आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो AOA होता है ना, बेसिकली AOA का सिंपल सा मतलब बता देता हूं मैं आपको, ये इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड डील करता है कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना किसी भी कंपनी की, जो भी डे टू डे चीजें होती है ना उसके रिगार्डिंग हमारा कौन बात करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बात करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का काम यही है बेटा कि कंपनी के फंक्शन स्मूथली चलते रहना चाहिए, कंपनी के फंक्शन में किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का चेंजेस ना आए करके, ऐसी वाली चीजें कहता है, क्या ऐसी वाली चीजें आपका AOA कहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल हम लोग सारे सारे ये चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से कल हम लोग AOA को पढ़ लेंगे पूरा, एंड देन फिर उसके बाद आखिरी दिन हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग को जस्ट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि AOA क्या करता है, ताकि इससे क्या हो जाता है कि आपको एक कल स्मूथली आपको एक उड़ान के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सेम चीजें आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और पूरे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलता है जब आप यहाँ पे IG सर कोड का प्रयोग करते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। लाइट का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, ठंडा मतलब कोको कोला, कोड मतलब IG सर। मैं आपको बता दूं कि अभी प्लस के अंदर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है और अभी आपका 20% ऑफ भी चल रहा है। ये परफेक्ट समय है कि आप 2 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, ताकि जो RTP MTP बैच है जो हमारी 17 तारीख से चालू हो रही है, उस बैच का आपको एक्सेस मिल जाए। ये सबसे बेहतरीन चीज आपके लिए हो सकती है। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है बेटा। कॉम्बो होता क्या है, CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट का कॉम्बो होता है। जैसे मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक का मजा है, उसी प्रकार से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ताकि जब अभी आपके दिसंबर के एग्जाम होंगे और आपके रिजल्ट्स फरवरी में आएंगे, तो फेब से पहले मतलब जनवरी के अंदर हम लोग आपकी वार्म अप बैच
बैच है, सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन हम आपकी चालू करवा देते हैं, तो उस बैच का भी आपको एक्सेस मिल जाता है जब आपके पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होता है। तो जरूर से आप आईजी सर कोड का प्रयोग कीजिएगा, और अभी आपको 10 नहीं पूरे 20% ऑफ मिल रहा है बेटा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर जब आप आईजी सर के कोड का प्रयोग करते हैं। तब कॉम्बो के अंदर 24 एंड 12 मंथ्स का आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप ये लिंक को ट्रैक कर सकते हैं ये लिंक की मदद से। उसके बाद अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल और लर्निंग ऐप के ऊपर जरूर से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में क्या आपको कंफ्यूजन था, और अगर कंफ्यूजन था तो क्या वो अब दूर हो चुका है, जरूर से बताइएगा। एक कमेंट में आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जरूर इससे मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएंगी, ये लिंक पे चले जाइएगा तो आपको फ्री रिसोर्सेज के टैब में पूरी PDF मिल जाएंगी हमारे कंपनीज एक्ट की। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।